तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी का कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या बोल सकते कमाल का एक बहुत ही कमाल का यूजफुल हिडन फीचर बताने वाला हूँ। आज की डेट में बहुत ही यूजफुल वाला फीचर है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के नए या वो सैमसंग गैलरी के हिडन फीचर के बारे में, या बहुत शानदार हिडन सेटिंग के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना, पहले करना क्या है, यहाँ पर जाना है गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है आपको, यहाँ जाना है इस पे और यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद जाना है आपको अबाउट गैलरी में। अबाउट गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर वजन नंबर पे 11 बार टैप कर देना है। जैसे आप 11 बार टैप करेंगे, बाहर आएंगे तो गैलरी लैब आपका एक अलग से फीचर एड ऑन किया जाएगा, तो वो सबसे एड ऑन हो जाएगा। यहाँ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, सपोर्ट एज सेव एज PDF। ये पहले नहीं मिलता था, वो आफ्टर 1.5.1 आपको आफ्टर 1.5.0 आपको मिलने लग जाएगा, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। ये काम क्या करता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखो मेकिंग अ PDF फाइल विथ इमेजेस क्रिएट सेव एज PDF आफ्टर सिलेक्टिंग इमेज। ये बहुत ही काम का फीचर है। आज की डेट में दोस्तों होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे हमारे पास कुछ फाइलें होती हैं जिसको हमें फटाक से PDF में कन्वर्ट करना होता है। तो हम उसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर हम उसको PDF में कन्वर्ट करते हैं, या फिर सैमसंग नोट्स में जाके हम उसको PDF करते हैं। तो अब आपको ये फीचर इसी में दे दिया गया, आपको कहीं थर्ड पार्टी ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ही कोई भी फोटोज़ या किसी चीज़ को आप PDF में कन्वर्ट कर पाएंगे विद इन अ सेकेंड। आपको करना क्या है, यहाँ से फोटोज़ को सिलेक्ट करना है जिनको PDF में बनाना है। वो बनाने के बाद आपको यहाँ पर करना है क्रिएट पे क्लिक। आप देख रहे होंगे जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज PDF, आप देख सकते हैं, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एज PDF पे क्लिक करेंगे वो वहाँ पर सेव हो जाएगा और आपसे शेयर करने के लिए बोल सकते हैं ओपन करने के लिए बोलेगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे और वो पूरा वहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी कंटिन्यू में आपकी जो भी फोटोज़ हैं सब वहाँ पर एड ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है, मुझे तो बहुत शानदार लगा। क्योंकि होता कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, हम फोटो तो खींच लेते हैं बट अब हमें उसको PDF बनाना हो तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर हमें उसके लिए कोई भी ऐप यूज़ करना पड़ता है। बट आप इससे इसको यूजली क्विकली कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो पर मैंने टारगेट रखा है 100 लाइक का, तो प्लीज उसको जरूर पूरा करें। और अगर आपको लगता है उस मेरी वीडियो में कुछ कम है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।